हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के टाइम हो रहा है, चार बजने वाले हैं। और अभी मेरे साथ बिट्टू और रिसो आज ये गाय के साथ जा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अपने कामों में आज जल्दी घर वापस आ गया था। तो अभी काफ़ी टाइम था, तो इनकी आजकल छुट्टी पड़ी हुई है, गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई है। तो ये दोनों गाय, इन दोनों को, छोटे बछिया और बछड़े को जंगल में चराने ले जा रहे हैं। जंगल तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा हमारे घर के नीचे है, काफ़ी अच्छा जो बंजर ज़मीन होती है उसमें ये दोनों, इन दोनों को चराने ले जा रहे हैं। तो मैं भी आया हूँ आज इनके साथ घूमने। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का शुभारंभ। हेलो, हाय, नमस्कार, मेरा नाम है दीप प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो पहाड़ के इन खूबसूरत वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग का। अभी जहाँ, जिस रास्ते से हम गाय के साथ जा रहे हैं, बिट्टू और रिसो आगे चले गए हैं, वहाँ रास्ते में जो हमारा गांव का रास्ता जाता है, और इस तरफ से भी आप रोड में जा सकते हैं। तो रास्ते में है काफ़ी सुंदर सा झरना। तो अभी आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा झरना आ रहा है। ऐसे दो तीन झरने हैं जो इस रास्ते में पड़ते हैं, पर लेकिन अभी हम थोड़ा नज़दीक ही जा रहे हैं। तो जो नज़दीक वाला झरना है वो ये है, काफ़ी अच्छा झरना है। और जब काफ़ी ज़्यादा बरसात हो जाती है तो ये पूरा यहाँ से भर के, पूरा झरना, पूरा पानी यहाँ से पूरा भर के नीचे पड़ता है, तो तब और भी अच्छा दिखाई देता है। तो ये हमारे गांव का झरना है। अभी रिसु और बिट्टू काफ़ी आगे चले गए हैं, क्योंकि वो काफ़ी मेरे से काफ़ी आगे भी आ गए थे और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे ही रह गया हूं। अभी मैं आपको बता दूं, ये वही वाला रास्ता है जिस वाले रास्ते से भगवान श्री केदारनाथ की डोली पैदल यहां से केदारनाथ जाती है। तो ये वही रास्ता है। इस रास्ते से बहुत सारे जो जितने भी पैदल यात्री होते हैं, जो केदारनाथ की यात्रा करते हैं, और जो ट्रैकिंग वाले केदारनाथ की यात्रा वाले होते हैं, अगर मैं वो इस तरफ से यात्रा करते हैं तो इसी वाले रास्ते से वो ट्रैकिंग करते हैं, जो कि मेरे गांव के बीचों बीच जाता है ये रास्ता। अभी मैं अपने गांव से काफ़ी नीचे आ गया हूं, तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे से, ये है काफ़ी बड़ा पीपल का पेड़। इस पीपल के पेड़ को जब भी मैं देखता हूं, तो हमें अपने पूरी स्कूल की यादें आ जाती हैं, क्योंकि जब हम स्कूल से आते थे तो स्कूल से आते वक्त काफ़ी धूप हो जाती थी, और सारे जितने भी हम स्कूल वाले थे तो सभी यहाँ पे बैठा करते थे, और यहाँ पे बैठने के बाद ही घर जाते थे। और जब भी स्कूल जाते आते वक्त यहाँ पे बैठा करते थे, तो इस पीपल के पेड़ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और जब भी मैं पीपल के पेड़ को देखता हूँ, तो अपने पूरे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं।
और मैं आपको बता दूं, यह पीपल का पेड़ लगभग 150 साल पुराना है और अभी तक भी आप देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा है। और माना जाता है कि पीपल के पेड़ की उम्र कम से कम 500 साल तक होती है, तो यह कथन भी सत्य है कि 150 साल हो गए हैं, अभी भी पूरा वैसे का वैसे है जैसे हमने देखा था। तो अभी मैं आपको पूरा पीपल का पेड़ का पूरा ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ। अभी मैं पहुंच गया हूं नीचे घराट वाला एरिया। वैसे तो यहां पे अब घराट वाला नाम ही रह गया है, घट वाला जो घराट होते थे, पुरानी पंचकियां होती थी। तो जो सामने से आपको दिखाई दे रहा है वो एरिया, तो यहां पे बहुत सारी पंचकियां हुआ करती थी जिनको घराट कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने घराट को देखा भी होगा, और जो बहुत सारे नए जनरेशन वाले जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोगों ने देखा भी नहीं होगा घराट कैसा होता है। हम भी बहुत छोटे थे, बिल्कुल रिसु बिट्टू की उम्र के थे, तो तब हमने यहाँ पे घराट हुआ करते थे, तो तब हम उस टाइम हमने देखे थे। वर्ष 2000 की जो आपदा आई थी उस टाइम सारे घराट बह गए थे, एक दो घराट पहले थे भी वो सारे बह गए थे। ये जो आपको सामने से जो पुल दिखाई दे रहा है, जो ये रास्ते पे बना हुआ है, उस समय यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने का काफ़ी अच्छा पुल बना हुआ था जिन्हें डाट पुल कहा जाता था। तो वर्ष 2000 में जो ब्यूंगाट वाली आपदा आई थी उस आपदा में वह पुल भी बह गया था, और यहाँ पे पाँच छः घराट थे वो भी बह गए थे। और धीरे धीरे जो घराट पंचक्की हुआ करती थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं, क्योंकि धीरे धीरे आधुनिकीकरण आ गया है और लोग चक्कियों पे आटा पीसने के लिए ले जाते थे। तो जिन लोगों के घराट होते थे वो अच्छे से चलते नहीं थे, क्योंकि यहाँ इतनी दूर लोग लाते नहीं थे, जो भी ले जाता था आटा मनी गेहूँ पीसने के लिए वो हमेशा मार्केट की तरफ ले जाता था, इसलिए भी घराट बंद हो गए हैं। अब तो सिर्फ उनके अवशेष और खंडर ही बचे हुए हैं। तो ये पूरा जो ओवरऑल व्यू है, ये घराट वाला ओवरऑल व्यू है। अब यहाँ पे जो जितनी भी सारी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पे लोग जितने भी लोग गाय चराने आते हैं तो वो यहाँ पे गाय चराते हैं। और जो ऊपर से आपको पूरी खेती दिखाई दे रही है वह खुमेरा वालों की खेती है, और ऊपर टॉप में जो आपको हल्के हल्के मकान दिखाई दे रहे हैं वह NH 107 है, और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े होटल बने हुए हैं। तो यहाँ से NH 107 मात्र 500 मीटर की दूरी पे है यहाँ से ऊपर, लेकिन खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। वैसे तो यहाँ से भी रास्ता रोड के लिए जाता है। ये देखिए लंगड़े, ये इनकी काफी अच्छी सब्जी बनती है। गाइस अभी हम लंगड़ा निकाल रहे हैं। अभी आपको जो मेरे हाथों में ये दिखाई दे रहा है, इसे उत्तराखंड में लंगड़ा कहते हैं। वैसे अगर मैं साइंस की भाषा में देखा जाए तो इसे फर्न कहते हैं। यह फर्न की अर्ली स्टेज होती है, लीव आने से पहले ही इसे तोड़ा जाता है और इसकी सब्जी बनाई जाती है। उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं वह लंगड़ा के बारे में सभी जानते होंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, अन्य लोग हैं, वह इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसे फर्न कहते हैं। आपने साइंस में काफ़ी पढ़ा होगा इसके बारे में। इसे लीव आने से पहले ही तोड़ा जाता है और इसकी काफ़ी अच्छी सब्जी और काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है। इसकी सब्जी में काफ़ी पोषक तत्व मिलते हैं। तो इसकी सब्जी बरसात आने से पहले और हल्के बरसात में लेंगड़ों को तोड़ा जाता है, और जब बहुत सारा बरसात हो जाता है तब लेंगड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इनको तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि इसमें स्नेल हो जाते हैं। स्नेल मीन्स जिनको हम गढ़वाली में गन्योल कहते हैं। आपके यहाँ क्या क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं है, आप कमेंट में बोल सकते हैं। तुम्हारे यहाँ इनको क्या क्या बोलते हैं, या आप सभी के यहाँ इनको क्या क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इसको लेंगड़ा बोलते हैं और साइंस की भाषा में इसे फर्न बोलते हैं। तो अभी रिसु और बिट्टू ने काफ़ी निकाल दिया है, कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं और कुछ घर में हैं। वैसे तो ये गाय के साथ आए थे, तो गाय के साथ
गाय के साथ इधर उधर जाते समय इन्होंने काफ़ी लेंगड़े भी निकाल दिए हैं। अभी शाम के 6:30 हो गए हैं और अभी हम जाने बैठ गए हैं घर, और गायें तो आगे चले गई हैं और धीरे धीरे हम भी घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। और वैसे तो आजकल दिन काफ़ी बड़े हैं और फिर भी पहाड़ों में थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है और हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लग गए हैं। हमारी गायें आप देख सकते हैं आगे की तरफ चले गई हैं और काफ़ी आगे चले गई हैं। वैसे भी टाइम काफ़ी हो गया है। आज के ब्लॉग को यहीं पे समापन करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।